नमस्कार दोस्तों, ये है डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ 4th ऑफ फरवरी। दोस्तों चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक माफी मांगना ये चाहता हूँ दैट कल का मैप को लेकर, एक्चुअली एक मैंने इंडिया का मैप बनाया था जहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो वो दिखाया गया था ना, उसको फेड दिखाया गया था, ठीक है। तो किसी भाई ने कमेंट किया दैट यार ये फेड हो गया, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है भाई दैट मैं आई एम ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं है दैट मैं देश के खिलाफ जा रहा हूँ। अब वो मैप्स अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा बताओ आप, ठीक है। उसके लिए तो मैं अलग से मैप बनाने नहीं वाला हूँ ना यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी, तो ये सब सारे स्लाइड्स बनाने में, है ना। सिर्फ भावनाओं को समझने की कोशिश किया करो, ऐसा नहीं है दैट आई एम गोइंग अगेंस्ट द नेशन, ठीक है। आई एम आल्सो विद द नेशन ओनली, एंड जो हम लोग को ये मैटर है ना, हम लोग को समझना है दैट एक्चुअली में मैटर क्या चल रहा है, ठीक है। उतना गौर में देखने जाओगे दैट जम्मू कश्मीर मेंशन है क्या नहीं इंडिया में, नहीं है, ठीक है, वैसा थोड़ा ना चलने वाला है भाई, है ना। इस लेवल में आ गए आप लोग, मैच्योर्ड हो जाओ एटलीस्ट, है ना। मैं मतलब फ्यूचर के लिए भी बोल दे रहा हूँ, बाई चांस अगर उसमें, क्योंकि ज़्यादातर मैप्स में ऐसा होता है ना दैट ये जो ये पोर्शन कटा हुआ मिलता है, ये और अक्साई चेन, है ना। अब क्या करूँ मैं यार बताओ आप ही, है ना। उसमें फिर मॉडिफिकेशन करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको फिर यू नो एमएस पेंट में ले आकर उसको फिर रंगना पड़ेगा, उतना थोड़ा ना यार, है ना। तो वही बोल रहा हूँ दैट मैच्योर्ड हो जाइए भाई लोग आप लोग, है ना। और हम लोगों को भी सिर्फ भक्त ही होना है, देशभक्त होना है, देश अंधभक्त नहीं हो जाना है, समझ रहे बात को। और हमारा तो मेन फोकस है दैट सिर्फ न्यूज़ को एनालिसिस करें। एनीवेज चलिए पहला न्यूज़ देख लेते हैं। पहला है डस्ट मिटिगेशन प्लान मस्ट फॉर फर्म्स। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है दैट कोई भी कंपनीज, है ना, तो कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन टाइप का एक्टिविटीज़ कर रही है तो उनको एक डस्ट मिटिगेशन प्लान ले आना पड़ेगा, समझ रहे बात। और इसके तहत डिफरेंट बहुत सारे डायरेक्टिव भी इन्होंने पास किया, जैसे नो सॉइल एक्सकवेशन विदाउट डस्ट मिटिगेशन मेजर्स। कोई भी कंपनीज अगर कैरी आउट कर रही है, जैसे दिल्ली NCR या फिर दिल्ली के मेन रीजन में या फिर कोई बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, सॉइल एक्सकवेशन अगर वर्क कैरी आउट कर रही है तो उन्हें डस्ट मिटिगेशन मेजर्स भी ले आना पड़ेगा और उसको सरकार को भी इत्तला करना पड़ेगा। नो लूज सॉइल सैंड कंस्ट्रक्शन वेट कुड बी लेफ्ट अनकवर्ड। अगर ये है, ऐसा बात नहीं है दैट सॉइल सैंड और कंस्ट्रक्शन वेस्ट होएगा ही, जमेगा ही, अगर यार कंस्ट्रक्शन होगा तो ये सब तो जमेगा ही, बट उसको आपको कवर कर देना है, है ना। ऐसा बिना कवर करके मत छोड़िए। वाटर स्प्रिंकल सिस्टम मैंडेटरी है, अगर आप कोई बड़े शहर में ये कर रहे हो तो आपको वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम लाइए, जिससे डस्ट जो उठते हैं उस डस्ट को स्प्रिंकलर सिस्टम से यू नो दबा के नीचे में ग्राउंड में ले आया जाए फिर से, है ना, जिससे वो डस्ट बार बार ना उड़े। और देखिए हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है ना, वन ऑफ द मेजर फैक्ट इज दिस कंस्ट्रक्शन डस्ट, है ना। इनके लिए पार्टिकुलेट मटेरियल 2.5 और पार्टिकुलेट मटेरियल 10 जो है लोग इनहेल करते हैं, और इनफैक्ट बच्चों को बहुत ही गंदे तरीके से ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है ना। नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग एंड कटिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स इन ओपन एरियाज आर प्रोहिबिटेड टोटली, एंड नो अनकवर्ड व्हीकल्स कैरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड वेस्ट वुड बी परमिटेड। मतलब व्हीकल्स अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स या फिर वेस्ट कैरी आउट कर रही है तो व्हीकल्स भी कवर्ड अप होनी चाहिए, है ना, तभी उसको परमिट किया जाएगा उस रीजन में, है ना। सो दिस इज इंडीड अ वेरी गुड स्टेप बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है दोस्तों कुसुम स्कीम के बारे में, बजट में लाया गया है। इसका फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान स्कीम, है ना, कुसुम स्कीम। नाम से आप समझ गए होंगे किसान ऊर्जा सुरक्षा, है ना। तो इसके तहत क्या होगा ना दैट डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट इंप्लीमेंट किया जाएगा फार्मर्स के हेल्प के लिए बेसिकली, और इसके तहत 1.4 लाख करोड़ स्कीम है बेसिकली। इसके तहत क्या होगा ना दैट किसान अगर चाहे तो अपने फार्म में यू नो इस सब के सोलर प्लांट्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है, और उसी से यू नो किसान अपना जैसे सोलर पंप कैरी आउट कर सकता है ना। सोलर पंप ही नहीं, मतलब और भी अगर डिफरेंट अदर चीज़ अगर किसान चाहे तो वो भी मतलब पैदा किया जा सकता है। और इसका ये भी फायदा है दैट एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ उसको फिर ग्रिड को आप बेच सकते हो बाद में जाके, है ना। तो इससे क्या होगा ना किसान का ही फायदा होगा, है ना? समझ रहे बात। आप सोचिएगा किसान का फायदा कैसे होगा, इतना पैसा तो उसको खरीदने में लग जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए 1.4 लाख करोड़ स्कीम है, मतलब कुछ तो सरकार भी खर्चा करेगी ना। सरकार क्या करेगी, 60% सब्सिडी दिया जाएगा सरकार और मतलब केंद्रीय सरकार और स्टेट सरकार के मिलकर द्वारा, समझ रहे बात। तो 60% इनको सब्सिडी दिया जाएगा और 30% जो है बैंक लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा विद सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडाइज्ड रेट ऑन ऑल। उसका 100% तो दिया नहीं हुआ था इन्फॉर्मेशन, बट एनीवेज आपको ये पता रखना है दैट हम लोग को इसमें सब्सिडी मिल रहा है किसान को, जिससे किसान जो है वो सोलर प्लांट खरीद पाए, उससे बहुत फायदे भी होंगे, उसका एक तो इनकम बढ़ेगा, है ना। और सरकार का आपको पता ही है दैट 2022 तक एक एम है दैट किसान का यू नो इनकम को डबल करना है। साथ ही साथ सरकार वहाँ पे किसानों के बैरन लैंड्स में भी वो बहुत ज़्यादा इस टाइप के प्लांट्स लगाकर यू नो
बिजली उगाया जा सकता है और उसको फर्दर बेचा भी जा सकता है, इससे किसान का ही ओवरऑल फायदा होगा। और साथ ही साथ डिस्कॉम्स का भी जो प्रेशराइज रहता था, तो डिस्कॉम का भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रेशर घटेगा, ठीक है। और इंडीड कहा जा रहा है बहुत फायदा होगा, बट इसके भी कुछ कुछ रिपरकशन आप खुद भी बता सकते हो, दैट हर एक किसान के मतलब वहाँ से फिर ग्रिड में सप्लाई करना है ना, उसके लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट करेगा? पहले सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे, उसके बाद ना ये इस टाइप के स्कीम लाना चाहिए। तो ये तो खैर क्रिटिसिज्म के पॉइंट में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। एक्चुअली इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, जिससे जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को जो है उसमें नेविगेशन को इनहांस किया जा सके अलोंग द नेशनल वाटरवे वन, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली एम है दैट यहाँ तक मतलब हल्दिया कोलकाता सॉरी हल्दिया वाराणसी वाले स्ट्रेच में ओवरऑल जो है नेविगेशन को इन्हांस किया जा सके, जिससे फेयर डेवलपमेंट ऑफ फेयरवे कैरी आउट किया जा सके, मल्टी मॉडल टर्मिनल, डिफरेंट जगह टर्मिनल कैरी आउट किया जाएगा, समझ रहे बात। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, इनफैक्ट रिवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा यहाँ पर। और देखिए फ़ायदा में और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा, पहले जो यू नो कंजेशंस होता था वो कंजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है ना। और क्योंकि वर्ल्ड बैंक के साथ सपोर्ट है तो यू नो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, है ना। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ फायदा आप खुद ही एनालाइज कीजिए ना, दैट यहाँ पर अगर यू नो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बढ़ जाएगा तो सोचिए आजू बाजू वाले गांव के रीजन को लोगों को इतना इंप्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब शिप अगर यहां से उधर जाएगा तो सोचिए अगर कोई टूरिज्म पर्पस से शिप जा रहा है तो उसके लिए तो कुछ खाने वाला तो प्रबंध होगा ही है ना यार, अलोंग द रिवर मेन रिवर रूट, है ना। तो उस टाइप के रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे, तो इंडीड ये बहुत अच्छा स्टेप बताया जा रहा है ना। बट इसके भी आप रिपरकशंस बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे अगर ये तो देखिए ये तो आपको डायरेक्टली दिखा रहा है ना, इधर से गंगा बह रहा है, तो सोचिए ये तो आपको गंगा बह रहा है, बट इसको अगर माइक्रोस्कोपिक एनालाइज कीजिएगा ना तो आप देखिएगा हमारा रिवर का जो रूट है ये मियंडरिंग नेचर का होता है, मतलब ऐसा टेढ़ा वेढ़ा होता है, समझ रहे बात। कोई भी रिवर उठा के देख लीजिए, अगर आपको नहीं लग रहा है ना तो आप एक काम कीजिए, गूगल मैप में जाइए, उसमें जूम कीजिए, है ना, उसमें जूम कीजिएगा तो इस टाइप मियंडरिंग नेचर का लगेगा, दैट गंगा भी मियंडरिंग नेचर में भरी। अब इस टाइप का कई कई तो शार्प टर्न है, ठीक है, तो उस रीजन में के लिए फिर क्या किया जाएगा, मतलब अगर बड़े बड़े शिप्स आप ले आ जाइएगा, है ना, रोडो सर्विस अगर इंप्लीमेंट करवाइएगा तो इस टाइप के मियंडरिंग नेचर को कैसे पार किया जाएगा शिप्स के द्वारा, ठीक है। एक तो ये कंसर्न है, दूसरा कंसर्न है वाराणसी के बाजू में रिसेंटली एक टर्टल सेंचुरी और मतलब घोषित किया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से चलाइएगा तो यू नो वो तो शिप तो टर्टल सेंचुरी से उधर से जाएंगे, है ना, उससे बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएगा दैट यू नो उसके टर्टल्स के इकोसिस्टम को बर्बाद करे, है ना। साथ ही साथ भागलपुर के सामने में भी एक आपको पता होगा दैट हमारे जो यू नो नेशनल वो गैंजेस डॉल्फिन है उसका भी कंजर्व पार्क है, ठीक है, और उधर से भी गंगा बहती है, तो यहां से भी तो प्रॉब्लम हो जाना यार। तो ये सब प्रॉब्लम कौन कंसर्न करेगा, सिल्टेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम का प्रॉब्लम आया जा सकता है। अभी लोग अगर सोचिए टूरिज्म को ही आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग सोचिए यहां पे चला गया तो वहीं पर अगर पायरेसी एक्टिविटी हो जाए, ठीक है, कौन संभालेगा उसको, है ना। ऐसा तो पुलिस के लिए भी तो पॉसिबल नहीं है ना दैट 5 मिनट में आ जाए, है ना, पुलिस को भी आने में आधा घंटा तो लग ही जाता है ना यार कोई रूट में। अगर पायरेट्स भी अगर सोचे डाका भी डालेंगे तो इतना तो बुड़बक नहीं है ना जो पुलिस स्टेशन के सामने वाला इसमें डाका डालेंगे, है ना। तो यू नो इस टाइप के बहुत सारे कंसर्न्स है, तो इसको आप नेगेटिव पॉइंट में भी क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। तो चलिए हमारा तो एक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ही हो गया आज इसके तहत, ठीक है। और हाँ साथ ही साथ नेशनल वाटरवेज अगर देख लीजिएगा तो देख लीजिए नेशनल वाटरवे वन जो है हल्दिया टू अलाहाबाद है, ये देखिए इसका रूट ये है ब्लू में, है ना, ये वैसे पुराना है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुए, बट एनीवेज नेशनल वाटरवे टू है आपका सादिया से जाकर धुबरी, और ध्यान दीजिएगा धुबरी जो है ये आसाम में, और धुबरी के बाद ही ये सीधा बांग्लादेश में घुस जाता है ब्रह्मपुत्र, है ना। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे थ्री, ये कोस्टल कैनाल है जो क्या कोल्लम से कोट्टापुरम है, ये देखिए कोल्लम से कोट्टापुरम, है ना, और ये देखिए दो कैनाल्स में बनाया गया, बेसिकली एक कैनाल है उद्योग अमंडल कैनाल, एक है चंपक्काड़ा कैनाल। नेशनल वाटरवे फोर जो है ये काकीनाड से पुडुचेरी है, इस दोनों में किसी का एक का मॉडिफिकेशन हुआ 4 या 5 में, है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है ना, अगर आपको याद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो एनीवेज ये काकीनाड से पुडुचेरी है एंड नेशनल वाटरवे 5 जो है ये आपका जगह गोयनखाली से तालचेर है, यही शायद थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, इसको कुछ एक्सटेंड किया गया था शायद, है ना। सो ये पढ़ लीजिएगा अगर मेन नेशनल वाटरवेज पढ़ना है तो। नेक्स्ट है थ्री पेरेंट बेबीज़ के बारे में। एक्चुअली ये प्रोसेस को यूके में लीगलाइज
मिल गया है. बेसिकली यूके के रेगुलेटर्स जो है उन्होंने डॉक्टर्स को परमिशन दे दिया दैट आप ब्रिटिश वुमेंस में जो है ये माइक्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी दैट इज MDT को कैरी आउट कर सकते हैं. और ये एक साइंटिफिक टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में भी पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली होता है जिसको मतलब हमारे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है ना, क्योंकि यहीं पर एनर्जी जनरेट होता है. अब क्या होता है ना, यूजुअली देखिए मेट करते हैं आपके मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट मेट करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना फीमेल पेरेंट की माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है उसमें कुछ डिफेक्ट होता है. तो इस केस में क्या होगा, सोचिए फीमेल पेरेंट का माइक्रोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है तो एक दूसरे फीमेल पेरेंट से उनका यू नो न्यूक्लियस को घुसा दिया जाएगा आपके दूसरे वाले मतलब मम्मी वाला इसमें. ठीक है, फ्यूज कर दिया जाएगा है ना, तो जिससे पुराना मतलब डिफेक्टिव माइट्रोकॉन्ड्रिया चला जाएगा है ना, और फ्रेश माइट्रोकॉन्ड्रिया उसमें आ जाएगा. उसके बाद यू नो सर्टेन कंडीशन में रख के उसका इम्ब्रो बनाया जाएगा और जैसे फर्टिलाइज हो जाएगा उसके बाद जैसे इम्ब्रो बन गया तो उसको यू नो मदर के वूम में प्लेस कर दिया जाएगा. उसके बाद बच्चा धीरे धीरे पैदा होगा. ठीक है, तो ये तो था थ्री पेरेंट प्रोसेस क्या होता है. बट ये जो अभी अलाउ कर दिया गया ना इससे काफ़ी ज़्यादा एथिकल कंसर्न्स भी आ रहा है. वो एथिकल कंसर्न्स क्या है, बोला जा रहा है दैट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है दैट बेबी जो प्रोड्यूस हो रही है तो उनमें अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जा सकता है ना, वैसे प्रॉब्लम जो कि अभी तक वो जन्म भी नहीं लिए बट जन्म के पहले ही यू नो डॉक्टर्स के इस नाकामयाबी के कारण या फिर सरकार के नाकामयाबी के कारण उनको ये प्रॉब्लम हो गया. ऐसा हो सकता है ना यार, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है ना, तो यू नो ऐसा हो सकता है, ये एथिकल कंसर्न है. साथ ही साथ इससे और भी एथिकल कंसर्न है दैट अमीर लोग जो है अमीर लोग बहुत ज़्यादा फायदा कर जाएंगे. अब सोचिए आप ही, कोई अगर बंदा को यू नो अमिताभ बच्चन की तरह हाइट मिल जाएगा है ना, ऋतिक रोशन की तरह उसको शकल मिल गया है ना माइट्रोकॉन्ड्रिया चेंज करके, ऐसा हो ही सकता है ना यार, क्योंकि इसमें तो आप खुद का ट्रेड बता रहे हो ना, कोई भी जो माइक्रोकॉन्ड्रिया आपको डिफेक्टिव लग रहा है उसको हटा के दूसरा माइक्रोकॉन्ड्रिया घुसा लो. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना दैट किसी को अगर अपना मन चाहे, अमीर लोगों के लिए बहुत फायदा हो सकता है. ठीक है, मतलब वो नेचर के साथ हम लोग खेल रहे हैं एक टाइप से, तो ये भी एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न हुआ. ठीक है, अगर किसी का अगर हाइट वही बोल रहा है अमिताभ बच्चन वाला हाइट हो गया ऋतिक रोशन वाला शकल हो गया तो यार फिर मतलब हम लोग जो और हाँ रोमन सैनी जैसा अगर दिमाग हो गया. ठीक है, तो मतलब वही लोग तो IAS IPS सब कोई हो जाएंगे है ना, तो नॉर्मल इंसान कहाँ जाएगा फिर वैसे है ना, तो ये एक मतलब कंसर्न है एथिकल कंसर्न. नेक्स्ट न्यूज़ है सैटेलाइट फोन टू एड फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स. देखिए ये स्टेप बेसिकली उठाया गया है क्योंकि रिसेंटली ओक्ची साइक्लोन जो आया था जिसने तमिलनाडु और केरल के हिट कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा गंदा तरीके से हिट किया था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मछुआरे मर गए थे इसके कारण है ना, तो रीज़न यही बताया गया था दैट कम्युनिकेशन मिसमैच के कारण ऐसा हुआ था. ठीक है, फिशर्समैन बहुत आगे निकल गए थे. देखिए क्या एक्चुअली होता है ना, सोचिए ये कोस्ट है हमारा, ठीक है, फिशरमैन क्या हो जाता है ना बहुत दूर तक निकल जाते हैं ये लोग है ना, दो तीन दिन तक कभी कभी तो मछली पकड़ने चले जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मछली पकड़ के लाते हैं ना, और बाद में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है. तो एनीवेज ये लोग तो चले जाते हैं बहुत बाहर. अब क्या हो जाता है ना, इस बार जो साइक्लोन आया ना इसका प्रेडिक्शन थोड़ा लेट से यू नो स्पेस एजेंसीज द्वारा किया गया. उससे क्या होगा ना, जब तक इन लोगों को खबर पहुंचाने का था तब तक ये ऑलरेडी साइक्लोन हिट कर चुका था, समझ रहे बात, और ये साइक्लोन के चंगुल में ही सारे फिशरमैन आकर उनकी देहांत हो गई थी. तो इसीलिए देखने के लिए मतलब इसको देख मद्देनजर रखते हुए बोला गया दैट सैटेलाइट फोन्स को उन्हें अवेलेबल करवाया जाएगा, मतलब लाइसेंस इसके लिए उनके पास लाइसेंस जरूर से होना चाहिए ऑफकोर्स, बट इसके ये फायदा है ना दैट इसका रेंज 12 नॉटिकल माइल, मतलब कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल, और एक नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, दो एग्जैक्ट दो भी नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये है मतलब इसका इतना रेंज तक होगा, मतलब एक अगर मछुआरा अगर सोची यहाँ पर है तो उसके आजू बाजू जिसके पास भी मतलब जो भी सरकारी मतलब नेवी के पास नेवी होती है ना बेसिकली इधर, तो सोचिए इधर अगर कोई नेवी है और सोचिए यहाँ पर मेन नेवी है, ठीक है, तो ये इसका रेंज तो यहाँ से भी यहाँ तक पड़ेगा, पकड़ेगा ही ना यार, सोचिए नेवी यहीं पर है, ठीक है, तो इसका रेंज यहाँ से भी यहाँ तक पकड़ेगा है ना, तो ये जल्दी से फौरन इतला कर सकता है दैट हमको बचाने आइए है ना, रेस्क्यू एक्टिविटी कैरी आउट किया जा सकता है. अब ये नहीं बोला दैट 100% उसको रेस्क्यू कर दिया जाएगा, बट एटलीस्ट यू नो पहले जो रिस्क था उस रिस्क मिटिगेशन होना काफी ज्यादा इजी है ना, तो इसीलिए सैटेलाइट फोन को डिप्लॉय किया जाएगा हमारे फिशरमैन को, आई मीन है ना, तो बहुत अच्छा है, मतलब इनिशिएटिव है. नेक्स्ट दोस्तों ये वैसे न्यूज है क्या क्या है बता रुकिए पहले बता रहा हूं, ये इस बंदे का नाम है, ये बेसिकली हमारे मिनिस्टर है हमारे है ना सेंट्रल मिनिस्टर, इनफैक्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन है ये बंदे, इनका नाम है जयंत सिन्हा है ना, इन्होंने बोला एयर ट्रैवल इज चीपर देन ऑटो राइड है ना, एयर से जो आप जर्नी करते हो वो ऑटो राइड से भी चीपर है.
अब देखिए इनके बारे में मैंने थोड़ा एनालिसिस किया तो मुझे पता चला दैट इनके पास बीटेक का डिग्री है आईआईटी दिल्ली से, है ना, एमएस इन एनर्जी मैनेजमेंट एंड पॉलिसी इन्होंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलेविया से, बाप रे बाप, है ना। नेक्स्ट इज एमबीए का डिग्री भी है इनके पास, है ना, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। सोचिए कितना मैंने ज्ञानी पुरुष है, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट ज्ञानी होंगे, बट इन ज्ञानी पुरुष के द्वारा इतना, मतलब क्या बोलिएगा इसको, नॉनसेंस एक टाइप का यू नो एक्टिविटी जो इनके द्वारा बोला गया। इनफैक्ट ये खुद भी बोल रहे हैं, सम पीपल विल से आई एम टॉकिंग नॉनसेंस, यस यू आर इनडीड टॉकिंग नॉनसेंस मैन। सो एनीवेज इन ये क्या बोल रहे हैं ना दैट अभी ऐसा सिचुएशन हम लोगों ने ला दिया दैट कोई अगर सिविल मतलब हवाई जहाज से सफर कर रहा है तो उसको 5 रुपया पर किलोमीटर देना पड़ेगा अगर वो इंदौर से दिल्ली ट्रांसफर में जा रहा है ना। बट वहीं पर अगर ऑटो रिक्शा में आप सफर कीजिएगा तो आपको 8 से 10 रुपया पर किलोमीटर देना पड़ेगा। भैया आप कॉन्टेक्स्ट तो देखो, है ना, वो ऑटो रिक्शा क्या है, है ना, सिविल एविएशन क्या है। सिविल एविएशन के पीछे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री होती है, आई मीन एक बहुत बड़ा एयर कंपनी होता है, जैसे गोआई बीबो, स्पाइस जेट, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भैया, है ना। और यहाँ पे ऑटो रिक्शा का तो एक वन मैन आर्मी है, एक ही बंदे का ऑटो होता है, ठीक है, और वो छोटे डिस्टेंस के लिए, तो ये तो नॉर्मल सा लॉजिक ही है ना यार। आप जितना कम ट्रैवल कीजिएगा उतना रिस्पेक्टिवली आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है रिस्पेक्टिवली, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ते रहिएगा, ऊपर से आप किसको कंपैरिजन कर रहे हो भैया, ऑटो रिक्शा और एयर ट्रैवल को, ऐसा कंपैरिजन, मतलब देखिए ये सब मंत्री लोग क्या कर रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, ये लोग इतना यार देख ही रहे हैं, डिग्री से तो लग रहा है बहुत यू नो ज्ञानी पुरुष है, बट एक्चुअली में ये लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी का सिर ऊंचा करने के लिए इन्होंने, ये लोग नॉर्मल इंसान लोगों को बहुत ज़्यादा बुद्धू समझ लिया इन्होंने, है ना। सो क्या बोलूँ अब, मतलब ये जस्ट आपको इसलिए मैंने डिस्कस किया ना क्योंकि आप कभी कभी जैसे क्रिटिसिज्म पॉइंट में होता नहीं है तो ऐसे में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करना है। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हो दैट रिसेंटली अ मिनिस्टर हैज सेड दैट एयर ट्रैवल इज चीपर देन ऑटो राइड, है ना, उसके बाद आप ये कॉन्टेक्स्ट दे देना, है ना, ऑटो रिक्शा को एयर ट्रैवल से कंपैरिजन किया है ना, और मतलब आप अपने जस्टिफाई कर सकते हो दैट अभी के मंत्री कैसे अभी के मतलब अभी का एडुकेटेड सोसाइटी को उल्लू बना रहा है, ये सिंपल सा बात है ना। सो ये जस्ट मैंने डिस्कशन करने के लिए सोचा, इसलिए सोचा दैट इस टाइप के पॉइंट्स आपको यू नो ऐसे टाइप के एनालिसिस में आप एटलीस्ट इंक्लूड कर सकते हो, इसीलिए मैंने डिस्कस करने का सोचा, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इट, और इकोनॉमिक सर्वे का लेसन 1 लेसन 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए, है ना। और टेलीग्राम उसमें हाँ, वो जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे उसका ऑलरेडी पीडीएफ्स मैंने टेलीग्राम लिंक में भी अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी संडे, है ना, बाय बाय।